अस्सलाम वालेकुम। आज हम हकीम विलास का विज़िट करने के लिए आए हैं। हकीम विलास जो है ये मेन जिनेवनी रोड पे बनी हुई सोसाइटी है और इसमें पोजीशन दे चुके हैं। पोजीशन देने से पहले इलेक्ट्रिसिटी भी आ चुकी है, यहाँ पे वाटर इशू भी रिजॉल्व हो चुका है, बैकअप जनरेटर भी मौजूद है। और ये राइट हैंड पर जो आप घर देख रहे हैं ये 240 स्क्वायर यार्ड्स के वन यूनिट हैं। लेफ्ट हैंड पर सिंगल स्टोरी घर वो आपको दिख रहा है, वो भी 240 स्क्वायर यार्ड्स है। और ये हमारे 240 स्क्वायर यार्ड्स वन यूनिट घर है। अभी हम 240 स्क्वायर यार्ड्स का घर ही विज़िट के लिए आए हैं, तो उस तरफ चलते हैं और आपको मज़ीद डिटेल में वीडियो दिखाते हैं। जी, इस गली में हम घर देखेंगे अभी और आपको डिटेल से दिखाएंगे भी। ये 240 स्क्वायर यार्ड्स हैं, देखें ये साहब जो हैं आई थिंक शिफ्ट हो चुके हैं सामने। अभी रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह का, रोड डेवलपमेंट का काम वो तो बिल्कुल एंड में ही होता है हर सोसाइटी में। सोलर लाइट्स लगाई हुई हैं, लाइटिंग वगैरह का सिस्टम रात में बहुत अच्छा होता है। तकरीबन 40 फीट चौड़ी रोड पे ये घर आ रहे हैं और अब इस घर में अंदर चलते हैं और आपको अंदर से व्यू कराते हैं। जी, इस घर में के ये बाहर का व्यू है। 240 स्क्वायर यार्ड सिंगल स्टोरी घर, कॉर्नर का घर है ये। और ये गली का साइज़ है। अब हम चलते हैं अंदर, सामने ही ये इसका पार्किंग स्पेस। ये इसका अंडरग्राउंड टैंक, कॉर्नर के एडवांटेज है तो साइड पे गली दी हुई है, राइट हैंड साइड पे गली आ जाती है इसकी। और सेम इसी तरीके से ये राइट हैंड साइड पे भी गली है। अब हम अंदर चलते हैं। अच्छा, ये इंटर होंगे हम, एंट्रेंस पैसेज है। लेफ्ट हैंड पे ये इसका ड्राइंग रूम है, ये इसका ड्राइंग रूम आ गया है ये, और ये इसका टीवी लाउंज। टीवी लाउंज सामने जो आप देख रहे हैं वो बेडरूम एक है, और टोटल तीन बेडरूम्स हैं इसमें। ये दूसरा रूम का डोर और ये तीसरे रूम का डोर, और ये साथ में जो ये जो आ रहा है ये इसका स्टोर है। अब हम रूम में चलते हैं, पहला रूम देखते हैं। ये रूम आ गया सर, और ये उसका वॉशरूम। प्रॉबेबली लाइट कम है तो सही आपको व्यू ना हो पाए अभी, क्योंकि पोजीशन दे चुके हैं बिल्डर। और पोजीशन देने के बाद जो या देने से पहले जो आखिरी पेंट चल रहा होता है, ये वो पेंट का काम चल रहा है। हम रूम सेकंड रूम देखते हैं। ये इसका दूसरा रूम आ गया, ये भी अटैच बाथ है। ये इसका वॉशरूम, और ये साइड गैलरी जो हमने आपको बिल्कुल स्टार्ट में दिखाई थी, उस विंडो यहाँ से एयर वेंटिलेशन के लिए। अब हम रूम नंबर 3 में चलते हैं। अच्छा, ये जो सामने आपको विंडो दिख रही है टीवी लाउंज की विंडो है, वो उस तरफ की गैलरी के लिए है। हम वो गली भी एंड में आपको दिखाएंगे। एयर वेंटिलेशन, लाइट वगैरह बहुत अच्छी है। साथ में ही वो ये उस गैली में जाने का डोर भी दिया हुआ है टीवी लाउंज से, वो भी अभी हम देखते हैं आगे जाके। ये इस गली टीवी लाउंज से इस गली में आ गए हम, ये साइड की गली आ गई। इस गली से अगर हम लेफ्ट हैंड पे जाएं तो वही एंट्रेंस वाली साइड आ जाती है जो बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में था, मेन डोर आ गया, और ये राइट हैंड साइड का व्यू आ गया।
और ये किचन की विंडो और टीवी लाउंज की विंडो, पहली दूसरी विंडो जो है वो बेडरूम की विंडो है। अब हम रूम नंबर 3 में चलेंगे, उससे पहले ये हम आपको किचन दिखा दें। ये किचन का स्पेस दिया हुआ है। अच्छा, एज पर रिक्वेस्ट बाय द कस्टमर किचन क्लोज़ भी किया जा सकता है इस तरफ दीवार खड़ी करके सामने भी, लेकिन डिपेंड करता है, बहुत कम लोगों ने करवाया, इनफैक्ट ना करने के बराबर हुआ हुआ है, बट ये ऑप्शन है, करवाया जा सकता है। ये रूम नंबर 3 आ गया सर। कुछ सामान वगैरह मौजूद है, वो सामान इसलिए मौजूद है कि ओनर को पोजीशन मिल चुका है, तो वो स्लोली स्लोली सामान लाना शुरू कर चुके हैं और पेंट का काम भी बिल्कुल फिनिशिंग पे चल रहा है। तो 1 से 2 हफ्ते का टाइम है एक्सपेक्टेड कि पेंट भी मुकम्मल हो जाएगा। ये वॉशरूम और उसके बाद बेड। अब हम बाहर, ये इसका मेन बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये इसका स्टोर, और ये वापस से हम गैलरी की तरफ चलते हैं। गैलरी से अब हम राइट हैंड साइड पे जाके देखेंगे बैक साइड की गली। ये बैक साइड की गली आ गई। यहाँ ये गीज़र के पॉइंट वगैरह दिया हुआ है, गीज़र इंस्टॉलेशन के लिए, और उसका पॉइंट दिया हुआ है। और ये साइड की गली। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डिटेल जानना चाहें, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा मौजूद है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी और कॉल के थ्रू भी, डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, कॉल के थ्रू भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फी मान ला।